हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी गिवन नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में, इन सेकेंड्स में। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है? जो भी आपको नंबर गिवन है जिसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी लेफ्ट और राइट साइड आप जीरो को ऐड कर दीजिए। ठीक है, कैसे? जैसे ये 52 है, सो मैं 52 में इधर भी एक जीरो लगा दूंगी और इधर पे भी। ओके, और फिर आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करना है, वो भी टू नंबर्स को। ठीक है, ओनली टू नंबर्स को। तो देखिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू। फिर आप नेक्स्ट टू को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे लास्ट वाले नंबर को, एंड 5 + 2 = 7। और फिर ये आगे वाले दो नंबर्स को ऐड करेंगे, 0 + 5 = 5। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 572। सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक, बहुत इजी ट्रिक है। किसी भी गिवन नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ये ट्रिक अप्लाई करिए और इन अ सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना है, बस आपको अगर 11 के लिए यूज करना है तो आप यहां और यहां जीरो लगाइए, और फिर राइट साइड से दो नंबर्स नेबर्स को, सक्सेसिव टू नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे पहले दो को किया 0 + 2 तो 2 आ गया, फिर 0 को छोड़ के 2 + 5 किया 7 आ गया, देन 5 + 0 किया सो 5 आ गया। सो दिस इज द आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैं इसी में करती हूँ ताकि आपको टाइम भी बचेगा और कैसे करना है ये समझ में आएगा। मैंने यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया, अब मैं ऐड करूंगी। सो 0 + 5 = 5 लिख देंगे, 5 + 0 = 5 लिख देंगे, 0 + 4 = 4 आ जाएगा, 4 + 3 = 7 आ जाएगा, एंड 3 + 0 = 3। बस ये हो गया मल्टीप्लाई आपका, किसका, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ये हमें हटा देती हूँ। सो 3405 का मल्टीप्लाई मैंने 11 से किया और आपका आंसर आ गया ये। तो देखिए, सेकेंड्स में आंसर आ जाता है अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हैं। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, देखिए दिस, तो मैं इसमें 0 यहाँ ऐड कर देती हूँ, यहाँ ऐड कर देती हूँ, और फिर ऐड करिए यहां से 0 + 6 = 6, फिर 6 + 7 = 13। तो 13 का 1 जो कैरी है, दैट इज एडेड टू द नेक्स्ट 1, जो आपका अब आएगा ना, उस नंबर में आप 1 ऐड करेंगे। तो अभी हमने 6 + 7 किया था, 13 आया, 3 लिख दिया, अब 7 + 8 करेंगे, 15 आएगा, और 15 वो कैरी ऐड करेंगे, सो 16 हो जाएगा, और फिर कैरी इस पे आ जाएगा। सो 8 + 4 किया आपने, कितना आया, 12, और वो कैरी ऐड किया 13, तो 3, और कैरी बचा जो, वो 4 + 0 = 4, एंड कैरी ऐड कर दिया सो 5। सो ये आपका आंसर आ गया। एक बार और देख लेते हैं, देखिए मैंने क्या किया, 0 + 6 = 6 लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 6 + 7 किया, 13 आया, 13 का 3 यहाँ लिखा, और 1 कैरी आप इस पे दे दीजिए 8 के ऊपर, तो ये 7 + 8 जब करेंगे तो ये होगा आपका 15, और 15 में ये कैरी ऐड करेंगे, सो 16 का 6 यहाँ, और कैरी इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे। ओके, और फिर आप 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 = 12, और ये कैरी वो ऐड हो गया 13, 13 का 3 यहाँ, और कैरी आप इस पे दे दीजिए, सो 4 + 1 = 5। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर ये नंबर था आपका, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा के मैं बता दूं, आपका ये नंबर था 4876, बहुत बड़ा नंबर था, उसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड्स में। क्लियर, अब इस नंबर को देखिए, तो बहुत छोटा नंबर है, यहां 0 ऐड किया यहां, एंड 0 + 5 = 5 लिख दिया, 5 + 3 = 8, एंड 10 = 3 + 0 = 3। तो ये आपको ऐड करना होता है राइट से लेफ्ट साइड में टू सक्सेसिव नंबर्स को लेकर। जैसे आपने पहले ये 2 लिए, सो इनको इसको छोड़ दीजिए लास्ट वाले को, फिर नेक्स्ट 5 को 3 के साथ ऐड करिए, इस तरह से आपको करते जाना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड 0 इंक्लूड करना है जब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये नंबर है, क्या नंबर है आपका, 7498, देख लीजिए 7498, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विथ 11। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0, और सक्सेसिव ऐड करेंगे यहाँ से, फ्रॉम राइट से,
तो देखिए टू नंबर्स को ऐड करना है, 0 + 8 कितना हो गया 8, फिर 8 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 17 का 7 ये और कैरी इस पे, और फिर 9 + 4 करा तो 13 + 1 14, ठीक है 14 का 4 वहां लिख दिया तो कैरी यहां लगा देंगे, देन 7 + 4 11 और प्लस 1 12, सो 2 कैरी 1 एंड देन 7 + 0 करेंगे और ये कैरी ऐड हो जाएगा सो 8, सो आपका आंसर कितना आ गया 8 2 4 7 8। देखिए सेकेंड्स में आंसर आ गया, कुछ नहीं है आपको यहां 0 लगाना है, यहां 0 लगाना है और फिर ऐड करना है राइट टू लेफ्ट दो दो डिजिट्स को। ओके एक बार और देख लीजिए, देखिए मैंने यहां 0 लगाया यहां लगाया, 0 + 8 आ गया, देन 8 + 9 किया 17, तो 7 आप यहां से लिखना था, सॉरी दिस इज 8, 17 का 7 यहां और कैरी 1 मैंने यहां लगाया, और 9 + 4 13 + 1 14, सो 4 कैरी 1 और फिर हमने किया 7 + 4 हो गया आपका 11 और ये कैरी जोड़ दिया तो 12, कैरी 1 यहां आ गया, फिर 7 + 0 और ये कैरी सो 8, सिंपल है। अब नेक्स्ट करते हैं, दिस इज 4 3 2, तो यहां 0 लगाया यहां 0 लगाया और ऐड कीजिए, 0 + 2 2 हो गया, देन 2 + 3 5 और फिर आपका 3 + 4 7 एंड 4 + 0 4, सो ये आपका आंसर आ गया फॉर द नंबर 4 3 2 × 11, सिंपल है। इसी तरह से आपका ये भी रहता है रूल, दिस इज 111, आपको अगर किसी नंबर से 111 को मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ एक एक जीरो लगा रहे थे, अब आपको 2 0 लगाने हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, तो जैसे ये नंबर है आपका क्या है 4, रुकिए ये सिंपल है पहले ये बताते हैं, 4 2 0 4 2 0 दिया था आपको नंबर, मैंने यहाँ 2 नंबर 0 लगा दिए यहाँ 2 0 लगा दिए, और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे 3 नंबर्स को एक साथ ऐड करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो देखिए अगर इसी को देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट जाना है, 3 नंबर ये है 0 ही आएगा, फिर इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट 3 नंबर्स को देखिए 0 + 0 + 2 तो 2 आ गया, फिर ये 2 हट गए तो ये बचा, 0 + 2 + 4 6 आ गया, देन इसको हटा दिया तो ये हो गया आपका 2 + 4 6, और फिर आपको क्या करना है ये हटा देना है, 4 0 0 को ऐड किया सो 4, सो ये आपका आंसर हो गया, क्या आया 4 6 6 2 0, सिंपल है। एक बार और देख लीजिए क्या करना था, 4 2 0 को मल्टीप्लाई करना था 111 से 111 से, आपने क्या किया 2 0 राइट साइड लगाए 2 0 लेफ्ट साइड लगाए और फिर राइट टू लेफ्ट आपने ऐड करना है 3 डिजिट्स को, तो देखिए पहले हमने इन 3 डिजिट्स को किया 0 आ गया सो 0 लिख दिया, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट 2 आया सम 2 + 0 + 0 2 लिख दिया, फिर इसके बाद ये 3 डिजिट 0 + 2 + 4 6 6 लिख दिया, फिर आपको क्या करना है इन 3 डिजिट्स का करना है 2 + 4 + 0 6 आ गया, और फिर नेक्स्ट ये 4 + 0 + 0 विच इज 4, सो ये आंसर आ गया, सिंपल है। इसके बाद हम ये करते हैं, दिस नंबर इज इधर कर लेते हैं 7 1 8 9, ये नंबर है इसको आपको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां 2 0 लगा रही हूं यहां 2 0 और फिर 3 नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे, कितना आएगा 9, फिर इन 3 नंबर्स को करेंगे 9 + 8 17, तो 7 आ गया 17 का यहां और कैरी 1 यहां, फिर आप इन तीनों को करेंगे 9 + 8 + 1 18 हो गया, 18 और कैरी जोड़ दिया तो 19, 9 आ गया और कैरी यहां, अब आप इन तीनों नंबर्स को करेंगे 8 1 7 16 हो गया और कैरी 1 17 7, फिर कैरी आया अब आप किसको करेंगे 1 7 को, तो ये हो गया 8 और कैरी जोड़ दिया तो 9, अब आपका ये बचता है 7 + 0 + 0 विच इज 7, सो ये आपका आंसर आ गया फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 1 8 9 × 1 1 1, सिंपल है। इसको करना है आपको, ये है आपका 3, बहुत बड़ा नंबर है देखिए बहुत इजीली, लेकिन मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, आपका है 3 0 4 5 2,
30,452. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 111 से. तो हम दो जीरो यहाँ लगाएंगे राइट साइड, दो लेफ्ट साइड, और सिर्फ तीन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे. तीन तीन नंबर लगातार, तीन नंबर्स को राइट से लेफ्ट की तरफ. इनको जोड़ा तो 2 आ गया. फिर नेक्स्ट 3 को जोड़ा, 5 + 2 = 7 हो गया. फिर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, 9, 10, 11. 11 का 1 यहाँ, कैरी 1 यहाँ. और फिर इनको जोड़ेंगे तो 10, सो 0, कैरी 1. और फिर इनको जोड़ेंगे 4, 3 and 1, तो ये हो गया 8. फिर आप इनको जोड़ेंगे, सो 3 + 0 + 0 = 3 हो गया. और फिर नेक्स्ट ये 3. सो आंसर आ गया 3380172. देखिए सेकेंड्स में आंसर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको 111 से करना हो. एक बार और बता देती हैं अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ रही हो. तो देखिए नंबर क्या है, 30452. इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से. तो मैंने यहाँ दो जीरो लगाया, यहाँ दो जीरो. फिर पहले इनको ऐड किया तो 2 आ गया, वहां लिख दिया लास्ट में ये 2. फिर हमने इनको नेक्स्ट ये 3 को ऐड किया, 5 + 2 + 0 = 7 आ गया, वो लिख दिया. फिर इनको ऐड किया, 4 + 5 + 2 = 11. ओके 11. सो 11 मैंने यहाँ लिखा 1, और 1 कैरी मैंने दे दिया नेक्स्ट पे. तो फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को, 5 + 4 + 0 = 9, और ये कैरी 1 10. 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ आएगा. तो ये 0 लिखा, 1 कैरी डाल दिया. अब इन तीनों को ऐड किया, 4 + 3 = 7, और ये कैरी 8. सो 8 लिख दिया ये मैंने. ओके और फिर नेक्स्ट 3 ये हो गया, तो 3 आएगा सिंपल. और फिर नेक्स्ट 3 ये 003, दैट इज अगेन 3. तो ये आंसर आ गया. लास्ट क्वेश्चन है ये 420, यहां लिख लेते हैं. आपका नंबर है 42013000, यहां पे 00 यहां पे. ओके ऐसे करते हैं, जब आपको 111 से मल्टीप्लाई करना है तो दो जीरो यहां, दो जीरो यहां लगा लीजिए लेफ्ट एंड राइट में. अब तीन तीन नंबर्स को ऐड करिए. देखिए सम ऑफ 0 + 0 + 3 3 आ गया. फिर नेक्स्ट 3 को करेंगे 1 + 3 + 0 = 4. फिर नेक्स्ट 3 1 + 3 = 4 आ गया. फिर आपको इन तीनों को करना है तो 2 + 1 = 3 इसको करेंगे, सो 4 + 2 + 0 = 6. फिर आप इसको करेंगे, 4 + 2 + 0 = 6, और फिर इसको करेंगे, सो 4 + 0 + 0 = 4. सो आपका आंसर आ जाता है 4663443. देखिए मिनट्स में आता है कि सेकेंड्स में, सेकेंड्स में आ जाते हैं आंसर्स आपके. देख लीजिए एक बार फिर से, ये नंबर था 42013, ये लिख दिया मैंने लेफ्ट और राइट साइड. जीरो को पहले ऐड किया, दो जीरो इधर, दो जीरो इधर. और फिर तीन तीन के पेयर्स में, तीन तीन के ग्रुप में आपको इनको ऐड करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये ऐड किया, 3 आ गया. फिर नेक्स्ट ये 3 किया, 4 आ गया. फिर 3 किया तो 4 आ गया. एंड देन ये किया तो 3. फिर ये तीनों को किया, 6 आ गया. फिर नेक्स्ट इन तीनों को 6, और फिर लास्ट ये तीनों को तो 4. सो ये आपका आंसर हो गया. ये मेथड है, बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. थैंक यू.